गाइस कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम बेसिकली बात करेंगे आईटीआई जॉब के बारे में। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ये बताओ कि अगर हम आईटीआई कर रहे हैं इंडिया में तो हमको कतर में कितने तक सैलरी मिल जाती है मंथली, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या है सारा। तो कंप्लीट चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगा, कोई भी ऐसी डाउट चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो भी है क्लियर चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे लोग मैकेनिकल से होंगे, कई सारे लोग फिटर से होंगे, कई सारे लोग वेल्डर से होंगे, कई सारे लोग टर्नर से होंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन से होगा। ठीक है, तो सबका मैं बता दूंगा कितने तक एवरेज सैलरी मिलता है और सबका जो रिक्वायरमेंट्स पड़ता है ज़रूरत, वो सबका सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, बस सैलरी में थोड़ा डिफरेंट होता है जो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है आपको कतर में जॉब अप्लाई के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है 10th पास विथ आईटीआई डिग्री। ठीक है, आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बेसिकली 10th पास होने चाहिए, आप पासपोर्ट होना चाहिए, कंपनी का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो कतर में। ठीक है, ये सब कैसे मिलती है जब आप अप्लाई करोगे आप, तो सब बाद में होता है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, मैंने बता दिया 10th पास, आप 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वह है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल मैंने आपको कई बार बताया कि मेडिकल बहुत स्ट्रांग हो चुका है कतर, दुबई, सऊदी अरबिया, कहीं भी जाने के लिए मेडिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल आप अपना जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, मेडिकल अच्छा आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं, और भी सारी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितने तक किसकी किसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी आईटीआई वर्कर हैं जिनमें सबसे अधिक जो सैलरी मिलती है वो मिलती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन वालों को, जो कि स्टार्टिंग में 40 से 45 हज़ार रुपये मिलती है। बाकी जो वेल्डर होते हैं, टर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग में 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये पे वर्क करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल अगर आप इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हो तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, वेल्डर भी बेस्ट है, वेल्डर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, वेल्डर भी आपके लिए बेस्ट है, वेल्डर पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में उतना आप आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे रिक्वायरमेंट्स। अप्लाई आप दो तरीके से कर सकते हो, दो अप्लाई प्रोसेस है, पहला ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन मैं तो कहूँ सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन मत करना, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, फ्रॉड हो रहे हैं चीज़ें, तो आप क्लाइंट के थ्रू करो, सबसे बढ़िया बेस्ट है वो। नहीं तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि देखो, मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं, हेल्प करो हेल्प करो, मैं किसकी किसकी हेल्प करूँ आप बताओ। ठीक है, तो आप क्या करो ना, सबसे पहले कि अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है कतर में, ठीक है, तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा क्लाइंट बता सकता है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो, उसके द्वारा आप कतर जा सकते हो, और अगर आपका रिलेटिव है तो और बढ़िया है। ठीक है, वो आपके काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, आपको सैलरी बता दी, रिक्वायरमेंट्स भी बता दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, हैव नाइस डे।